गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी श्रुति मिश्रा। सो गाइस, आज मेरा रिव्यू एंड डेमो होने वाला है एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में। एंड गाइस, ये है हमारा गार्नियर स्किन नेचुरल का सीरम मास्क नाइट हाइड्रा बॉम। गाइस, मुझे लगता है इंडिया में फर्स्ट जो शीट मास्क लॉन्च हुआ था वो गार्नियर ब्रांड से था। इन्होंने अपनी काफ़ी अफोर्डेबल शीट मास्क रेंज लॉन्च की थी जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसको लॉन्च हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। अब तो काफ़ी सारे ब्रांड्स के शीट मास्क आ गए, लेकिन उस टाइम हेयर के ही शीट मास्क थे जो कि नॉर्मल लोग परचेज करते थे और इंट्रोडक्शन उसी से हुआ था शीट मास्क का इंडिया में। सो गाइस, अभी इन्होंने लेटेस्ट में ही लॉन्च करी है अपनी नाइट शीट मास्क जो कि हाइड्रा बॉम नाइट शीट मास्क। ये स्किन को ग्लो देगा तो कोई भी स्किन वाला इसको यूज कर सकता है। सो गाइस, अगर आप जाना चाहते हो इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल, देखना चाहते हो उसका डेमो और कैसी है ये शीट मास्क, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। बाकी अदर ब्रांड्स की शीट मास्क की तरीके मैं आपको परचेज करने के लिए मना कर दूंगी, तो प्लीज ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, बगल में लगा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर जरूर करिए और कोई क्वेश्चन कोई करिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा। गाइस, ये है हमारा गार्नियर स्किन नेचुरल सीरम मास्क नाइट हाइड्रा बॉम रिपेयरिंग डीप सी वाटर। एंड गाइस, ये डीप सी वाटर एंड हाइलुरोन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। सो गाइस, ये आपको मिलता है एक टिश्यू शीट मास्क 150 रुपीस का और शेल्फ लाइफ मिलती है आपको इसकी इयर्स की, 3 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड गाइस, ये अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है तो आपको ये मिल जाएगा 120 का। बाकी अभी इसमें देखिएगा बाद में बहुत अच्छा डिस्काउंट भी आएगा, तो आप नायका से अगर परचेज करते हैं तो श्योरली आपको एक ये अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा एंड 100 रुपीज तक का इजीली आप इसको पिक कर सकते हैं। मास्क का भी मैं रिव्यू बहुत जल्दी अपने चैनल पे शेयर करूंगी। इस अगर बात करें पैकेजिंग की तो ये इस तरीके की ब्लू कलर की पैकिंग में आता है। फ्रंट पे लोगो दिया गया है, डिटेल दी गई है, बैक पे भी प्रोडक्ट की डिटेल दी गई है और अंदर आपको इस तरीके का व्हाइट कलर का शीट मास्क मिल जाएगा। सो गाइज आपने देखा इस प्रोडक्ट। सो गाइज, ये कहते हैं कि ये क्लेम क्या करता है, तो ये कहता है सीरम मास्क अ न्यू जनरेशन ऑफ टिश्यू मास्क दैट इन्फ्यूज स्किन विद 1 week ऑफ सीरम इन वन मास्क। इट्स टिश्यू इज इनरिच विद नेचुरल ओरिजिन डीप सी वाटर एंड ब्लू फ्लावर एंड हाइलुरोनिक एसिड, अ हाइड्रेटिंग एक्टिव केपेबल ऑफ रिटेनिंग 1000 टाइम इट्स वेट इन वाटर। आर नेचुरल ओरिजिन डीप सी वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 320 meters बिलो द सर्फेस, हाइड्रेटिंग योर स्किन व्हाइल यू आर रेस्ट एट नाइट। रिकमेंड टू यूज 3 times a week। अगर बात करूं मैं इंग्रेडिएंट्स की तो गाइस, इसमें बहुत सारे केमिकल मिक्स किए गए हैं। बाकी ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट, इसमें पैराबेन नहीं डाला गया है और कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हैं, कुछ केमिकल्स इसमें मिक्स हैं। तो बाकी इंग्रेडिएंट का स्नैप मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, ये क्लेम करता है स्पेशली हाइड्रेटिंग करने को स्किन को, इसमें हाइलुरोनिक एसिड मिक्स किया गया है, इसमें ब्लू फ्लावर है और नेचुरल ओरिजिन डीप सी वाटर है, जो कि ये सब आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, स्किन को पेनिट्रेट करेगी, जिसकी वजह से स्किन ग्लो करेगी। नाइट, पूरी नाइट आप इस सीरम को छोड़ सकते हैं अपने फेस पे, जो कि आपकी स्किन की ड्राइनेस को कम करेगी स्किन के अंदर जाके। सो गाइस, ये था इसका क्लेम जो कि स्पेशली है ड्राइनेस पे और स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने पे। गाइस, जैसे कि यूज करने का तरीका कॉमन शीट मास्क की तरीके से नॉर्मल शीट मास्क यूज होते हैं। इस पैकेट को ओपन करने के बाद आप इस शीट मास्क को प्लेस कर सकते हैं अपने फेस पे, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप इस शीट मास्क को रिमूव कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो सीरम आपके फेस है उसको मसाज करके स्किन में एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बचा हुआ जो शीट मास्क में सीरम है वो आप अपनी स्किन में मसाज कर सकते हैं। सीरम शीट मास्क के रिजल्ट जो होते हैं वो आपको 1 से 2 दिन बाद मिलते हैं। तुरंत आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका फेस डल लग रहा है क्योंकि सीरम लगा होता है तो फेस थोड़ा सा ऑयली लगता है, लेकिन जब स्किन हाइड्रेट हो जाती है तो नेक्स्ट डे या 2 days आफ्टर आपको स्किन प्लम फील होती है, स्किन में मॉइस्चराइजेशन लेवल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो स्किन में एक प्लमनेस सी आ जाती है। सो गाइस, ये थी इस प्रोडक्ट की डिटेल। गाइस, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया नहीं है, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। ये प्रोडक्ट की डिटेल एंड डेमो। अगर बात करें इसके रिजल्ट की गाइस, आप देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरी स्किन कितनी प्लम और हाइड्रेटेड फील हो रही है। ये सीरम मास्क स्पेशली क्लेम करता है स्किन को हाइड्रेट और डीप पेनिट्रेट करने का, तो गाइस ये बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है और बहुत सी
एक प्लमनेस ही दे देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन यूथफुल लगती है और ग्लोई लगती है। अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, ड्रफ स्किन हो गई है, डल स्किन हो गई और इस विंटर में स्किन में कोई चमक सी नहीं लगती है, बेजान सी लगती है, तो आप ये सीरम मास्क यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से स्किन को पेनिट्रेट करता है, हाइड्रेट करता है, हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राइनेस की वजह से थोड़ी बेजान लग रही है, आप डेफिनेटली इस शीट मास्क को ट्राई कर सकते हैं और अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं। मुझे ये शीट मास्क बहुत पसंद आया, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी एंड अगेन मैं इसको परचेज ज़रूर करूँगी इस विंटर्स पे। बाकी ऑयली स्किन वालों को शायद थोड़ा सा ये हैवी ज़्यादा हो जाए, ड्राई स्किन वाले इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, साथ में कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी ट्राई कर सकते हैं, और पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज करने पे। सो गाइस ये था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू गार्नियर सीरम मास्क नाइट हाइड्रा बॉम्ब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को प्रेस करके जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन कोई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।